वेलकम टू ऑसर ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए वचन सुनने से पहले एक ही हम गीत गा के परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी महिमा करें। खुदावन आरुआ जाने जिस मोर रू में तू बस जा रूए पाक खुदावन आरुआ जाने जिस मोर रू में तू बस जा बंद करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें।
खुदान धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर समय और दिन के लिए लॉर्ड हालेलुया। जितने लोग देख रहे हैं लॉर्ड उन सभी को आशीष कीजिए, अच्छे से सुन पाए और अपने जीवन में वचन जो दिया जाएगा उसको लागू कर पाए लॉर्ड। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मोटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड हालेलुया आमेन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। वेलकम टू द ऑक्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि हम लोग उसके वचन के साथ में सहभागिता रखने पाए। निश्चय इस चैनल के द्वारा से आप सब लोग आशीषित हो रहे हैं। हम विश्वास करते हैं आपके जीवन में भारी आशीष और परमेश्वर की ज्योति प्रकट होने पाए। हालेलुया। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी जो हमारे अंतर आत्मा को तो अपने वचनों से सींचता है। आप प्रभु जी हमें दिशा देता है, हमें एम्पावर करता है, हमें ताकत और बल देता है। प्रभु जी यह परमेश्वर पिता हम इस समय तेरे वचन में से देखना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं। मैं भी अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। जितने लोग इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक से तो बातचीत कर प्रभु जी, आप परमेश्वर पिता आपका वचन समझ में आने पाए ताकि प्रभु जी हमें दिशा मिलने पाए। सब बात हमें आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए अदैसे स्वराज में ग्रहण कीजिए आमेन आमेन आमेन। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वह फंक्शंस ऑफ लाइट, यानी ज्योति का काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके विषय में हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। और बहुत सिंपल बात है, आप लोग पढ़े हैं, लेकिन उस चीज को हम लोग जब एक जिस्ट के रूप में रखते हैं तो हमको बेहतर समझ में आता है। हालेलुया। सिंपल तरीके से अगर समझें फिजिकली इस धरती में भौतिक रूप में कि ज्योति का काम क्या है, ओके, तो हम लोग जानते हैं कि ज्योति जो है जहां पर लाइट पड़ता है कोई भी चीज छुपा हुआ रहता है तो उसको प्रकट कर देता है, एक्सपोज करता है, ओके। इसके लिए कोई चीज को छुपा हुआ चीज को निकालने के लिए तो ढूंढने के लिए तो खोजने के लिए क्या करते हैं, हम लोग को लाइट की आवश्यकता होती है, ज्योति को हम लोग सामने लेकर आते हैं। दूसरा चीज, अंधकार में अगर हम लोग आगे बढ़ना होता है, फॉरवर्ड मूव करते हैं हम लोग, आगे जाते हैं, तो बिना ज्योति के हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल रहता है, साइकिल कार रहते हैं, तो हम लोग हेडलाइट ऑन करके जाते हैं। अगर हमारा हेडलाइट नहीं चलता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। ये दो जगह हम लोग देखते हैं कि लाइट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस भौतिक दुनिया में। तो भौतिक दुनिया में लाइट का परिभाषा अलग है, लेकिन आत्मिक दुनिया में ज्योति का परिभाषा अलग है, उसका काम भी अलग है। हालेलुया। भौतिक दुनिया में ज्योति का, लाइट का परिभाषा अलग है, उसका काम अलग है। आत्मिक जगत में आत्मिक लाइट है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, जो अंतरात्मा से दिखाई देगा, हम लोग स्पिरिचुअल आइज के द्वारा से दिखाई देगा, और उसका कार्यकलाप और उसका फंक्शन, उसका वर्क, उसका काम भी डिफरेंट है। आइए कुछ बातों को हम लोग समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें। वहां से हम लोग देखेंगे जहां से परमेश्वर ने ज्योति को सृष्टि किया, उस जगह में कुछ बातें हैं जिसको समझने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति उसका एक अध्याय, उसका एक से लेकर चार आयत, यहां देखते हैं क्या लिखता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। यहाँ देख रहे हैं गहरे जल के ऊपर पूरा जल से भरा हुआ था, ओके, जो बेडौल जो पृथ्वी थी उसको वो जल से ढका हुआ था, और उसके ऊपर में गहरे जल के ऊपर अंधियारा छाया हुआ था, मतलब टोटल डार्कनेस था। फिर आगे, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, लेकिन लाइट को हम लोग नहीं देखते, पूरा अंधकार है, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो जब परमेश्वर का आत्मा मंडराता है तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि लाइट आ गया। लाइट आना, ज्योति आना, प्रकट होना, उसके पीछे कुछ कारोबार है, क्या है देखेंगे। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हाँ, हम लोग देखते हैं परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, उस समय में मंडराते हुए परमेश्वर का आत्मा थिरक रहा है, वो काम करने के लिए रेडी है, तो उस समय में परमेश्वर को कहना पड़ता। सो परमेश्वर का आत्मा का मंडराना और वॉइस जब मिलता है तो कोई चीज सृष्टि होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर में, गहरे जल के ऊपर में मंडरा रहा था, और उस समय में परमेश्वर ने अपना जुबान खोली, उसने कहा कि उजियाला हो जा। तब क्या हम लोग देखते हैं कि उजियाला हो जाता है, आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। बस पहले यहाँ पर देखते हैं, उजियाले को सृष्टि करने के बाद में उसके ऊपर में कमेंट्स दिया जाता है। कोई भी चीज सृष्टि करते हैं, बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ओके, बहुत सारे चीज हम लोग बनाते हैं,
उसके बाद में कमेंट्स दिया जाता है, एडिट करते हैं उसमें बहुत सारे चीज, फिल्म बनाते हैं, फिल्म क्रिटिक्स रहता है, यहाँ ठीक नहीं था, हीरो को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इस जगह का स्टोरी ठीक नहीं था, बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स लोग क्या करते हैं उसको विश्लेषण करते हैं। अब यहाँ परमेश्वर खुद उसने ज्योति को प्रकाश बनाया, सृष्टि किया, और उसके बाद में परमेश्वर का कमेंट्स आ रहा है, ज्योति के विषय ये कमेंट आ रहा है कि अच्छा है, लाइट अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जो स्टेटमेंट परमेश्वर ने कहा है लाइट के विषय में वो आज भी अच्छा है, हमारे जीवन में लाइट रहता है अच्छा है, ओके, जितने हम लोग लाइट प्राप्त करते हैं अच्छा है, ये कमेंट्स आज भी आता है। अच्छा है कहने के बाद में हम लोग एक चीज को देखते हैं, एक परमेश्वर हरकत में आता है, ज्योति को लेके एक एक्शन में आता है, उसको क्या देखते हैं, देखेंगे यहाँ क्या लिखता है। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। ओके, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या आ रहा है, उजाले तो बनाने के बाद में उजाले को परमेश्वर ने क्या कर रहा है, अंधकार से अलग कर रहा है। परमेश्वर कतई नहीं चाहता है अंधकार और उजाला एक साथ रहे, ओके, दोनों में पूरा फर्क डिस्टिंक्ट दिखाई देने पाए, ये अंधकार है ये उजाला है, उजाला साइड में रहेगा, अंधकार अलग साइड में रहेगा। और इसी यही हरकत हम लोग बाद में भी स्पिरिचुअली हम लोग देखने पाते। देखिए यहां पर क्या लिखता है, दूसरा कुरिन्थी उसका 6 उसका 14 से लेकर 15 यहां पर क्या लिखता है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, अविश्वासियों के साथ, ओके, असमान जुए में मत जुतो, अविश्वासियों के साथ में एक साथ मत चलो बोल रहा है, एक ही जुआ में मत जुतो बोल रहा है। फिर क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, इसका कोई संगति नहीं है। फिर और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, विश्वासी और अविश्वासी के साथ क्या नाता। इस वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखने पाते हैं कि आत्मिक जगत में परमेश्वर की हुजूरी में उसकी उपस्थिति में ज्योति का परिभाषा कुछ दिया गया है। हम लोग इस आंख से जो लाइट को देखते हैं, सूरज का किरण को देखते हैं, ट्यूबलाइट का जो रे है उसको हम लोग देखते हैं, ओके, एक्चुअली रे को नहीं देखते, रे कहीं पर पड़ता है, किरण पड़ता है, लाइट पड़ता है कोई चीज में और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आता है लाइट, तब जाके उस चीज को देखने पाते हैं, ओके, नहीं तो जब तक कोई चीज में लाइट पड़े ना और रिफ्लेक्ट ना आए तो हम लोग देखने नहीं पाते। ये हम लोग भौतिक दुनिया में इस प्रकार का लाइट का फंक्शनैलिटीज का काम है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं ज्योति और अंधकार के साथ में क्या चीज को तुलना कर रहा है, ओके, अविश्वासी और विश्वासी को तुलना करता है, तो अविश्वासी को अंधकार के कैटेगरी में रखता है और विश्वासी को ज्योति के कैटेगरी में रखा। देखिए परिभाषा कैसे बदल रहा है। उसके बाद कहता है मसीह का बलियाल के साथ में, तो मसीह को लाइट की तरफ रखता है और बलियाल को अंधकार की तरफ रखता है, ओके, फिर धार्मिकता को ज्योति की तरफ रखता है और अधार्मिकता को या तो अधर्म को वो क्या करता है, अंधकार की तरफ रखता है। तो ये सारा जो चीज है ज्योति का लाइट का अलग अलग फॉर्म है, कैसे पहचाने, ओके, जब हम मसीह के साथ चलते हैं तो अगर अधर्म में चल रहे हैं तो अंधकार में चल रहे हैं, ओके, धार्मिकता में चल रहे हैं तो लाइट में चल रहे हैं, ओके, फिर हमारा विश्वास का जीवन है तो लाइट में चलने वाला जीवन है, अविश्वास मैंने अविश्वासी का हिसाब से अप एंड डाउन करके हम लोग कभी कभी फेथ नहीं रहते, हम लोग मूव करते हैं तो हम लोग अंधकार में चलते हैं। इस प्रकार से पूरा भिन्न फर्क हमको जानने की आवश्यकता है कि वह लाइट क्या है और अंधकार क्या है, ज्योति क्या है अंधकार क्या है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आत्मिक जगत में इसका परिभाषा थोड़ा सा चेंज होता है। नीचे हम लोग और बहुत सारे फेरिस देखेंगे कि उसका परिभाषा किस तरह से, आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। इफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय उसका 8 से लेके 15 आयत यहां पर क्या लिखता है। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य, इफिसी 5:8-15, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, हाँ, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हाँ, विश्वासियों को कह रहा है, जो लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं उसको कह रहा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अंधकार में थे नहीं कह रहा है, अंधकार थे कह रहा है, यानी खुद एक अंधकार का आइटम हो, अंधकार का फिगर हो वक्त कर रहा है। लेकिन जब यीशु को ग्रहण कर लेते हैं तो उस यीशु को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को तुम ज्योति हो कहा है, प्रेज गॉड। तो कितना बड़ा उपाधि देता है, जो आप और मैं यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले लोगों को
हम लोग पहले अंधकार थे लेकिन अब ज्योति हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखता है? परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में ज्योति हो। प्रभु नहीं है तो फिर से वही अंधकार। ओके, फिर अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अतः ज्योति के संतान के समान चलो। कैसे? ज्योति के संतान का जो चाल होता है, जब हम लोग का चाल ढाल, हम लोग का लाइफस्टाइल लाइट के अनुसार ना रहे, लाइट का डिमांड होता है उसके अनुसार ना रहे हम लोग, ओके, तो हम लोग को यहां पर कह रहा है कि नहीं, ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है। अब उस लाइफस्टाइल में क्या होगा? ज्योति का फल सब प्रकार का भलाई। जहां पर सब प्रकार का भलाई आप देख रहे हैं तो देखिए कि वहां पर लाइट है, वहां पर ज्योति है। फिर उसके बाद में क्या लिखता है? और धार्मिकता और सत्य। जहां पर धार्मिकता पाया जाता है, जहां पर सत्य पाया जाता है, तो समझिए कि वहां पर ज्योति निवास करता है, यहां वहां पर लाइट है। फिर कहता है और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। फिर आगे कहता है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी मत हो। इसका मतलब अंधकार का कोई काम में इंडल्ज रहते हैं या तो अंधकार के काम में हमारा भागी रहता है तो सीधा उसका रिजल्ट बोलता है वो निष्फल रहेगा, वो फलदायी नहीं होगा। लेकिन ज्योति के कोई भी काम में हम लोग सरगर्म है, लगे रहते हैं तो जरूर वो फलदायी होगा, उसका रिजल्ट होगा, आएगा, वो परमेश्वर का महिमा का कारण होगा। ओके, लेकिन अंधकार का काम एकदम निष्फल होगा और जब निष्फल होगा ओके, वो निष्फलता ही शैतान का महिमा करता है। आगे यहां पर लिखता है सहभागिता ना हो वरन उस पर, अच्छा, अंधकार और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उस पर उल्हाना दो। ओके, कई लोग अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी तो नहीं होते लेकिन साइलेंट भी रहते हैं। यहां पर एक काम करने के लिए भी कहा है उस पर उल्हाना दो, उस बात को, उस बात के लिए डांटो, समझाओ, उल्हाना दो कहता है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बातें हैं, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। जो जो काम के ऊपर में उल्हाना दिया जाता है, डांटा जाता है, फटकार मारा जाता है, उसको प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइट को लाना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है? ज्योति से प्रकट होती है क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। तो लाइट का फंक्शनैलिटी, ज्योति का जो कार्य है, उसका फंक्शन है, उसका काम है, वो सब चीज को क्या करता है? प्रकट करता है। पहला काम छुपा हुआ चीज को निकाल कर लेकर है, हेराया चीज को या तो जो चीज गुम हो गया उसको भी लेकर आएगा। सब चीज को जो प्रकट करता है वो ज्योति है बोलता है। फिर कहता है इस कारण वह कहता है हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी लिखता है। इसीलिए इस प्रकार का एक आह्वान है हे सोने वालों, ओके, जो लोग सजग नहीं है, सोने वाले हैं, सजगता का जीवन नहीं, वहां से जागो बोलता है। जब सजगता का जीवन जियोगे है ना तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, हम लोग मसीह जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में हम लोग जी गए, ले लिए, ग्रहण कर लिए और उसके बाद में हम लोग सजग नहीं रहते, किसी प्रकार का भी ऐसे भी जीवन जिए चले, ये जो सोच बैठते हैं हम लोग ये गलत है ना। बोलता है मसीह की ज्योति तुम पर चमके, सजगता में आएंगे, उठेंगे, तब जाके मसीह की ज्योति चमकेगी। एक तो यीशु को ग्रहण किए, तो क्या हम लोग एक बार यीशु को ग्रहण करते सारा लाइट आ जाता है? परमेश्वर को फादर्स ऑफ लाइट कहा गया, फादर ऑफ लाइट्स, ओके, एस एल आई जी एच टी एस, लाइट्स माने ढेर सारे रोशनी, ओके, परमेश्वर से बहुत सारे रोशनी निकलते हैं उसमें से। हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण तो किए हैं, वो परमेश्वर का पुत्र है, ओके, लेकिन जब हम लोग सजगता का जीवन जीते हैं तो मसीह में से और ज्योति चमकते रहती है, आते रहती है। हालेलुया, ओके, इतने सारे लाइट है उसके उसमें से, जो जितना हमारे अंदर में आता है हम लोग लाइटेड होते हैं। नीचे और बहुत सारी बातें सुनेंगे तुमको क्लियर होगा। तो मसीह की ज्योति तुम पर चमके, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, ओके, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलती, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। कहने का मतलब जो लोग ज्योति का संतान है उन लोग बुद्धिमानी के साथ में चलेंगे, उनको विजडम मिलेगा। नीचे मैं बताऊंगा कि बुद्धि लाइट का एक फॉर्म है, एक
एक प्रतिरूप है, ज्योति का एक एक आयाम है या तो फॉर्म है। माने बुद्धि को ज्योति भी कहा गया, सीधा सीधा समझने से। हालेलुया। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस वचन से हम लोग जानने पाते हैं कि ज्योति क्या करता है ना, उसका फंक्शन क्या है ना, वो सब चीज को एक्सपोज करता है, प्रकट कर देता है, दिखा देता है। इसलिए ज्योति बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में लगता है कि कोई भी चीज छुपा हुआ है, हमने प्राप्त नहीं किया है, अंधकार में है, और उस चीज को हमको जानना चाहिए, है ना, तो हमको लाइट की आवश्यकता। हम लोग नीचे फॉर्म देखेंगे कौन कौन प्रकार को लाइट कहा गया है, किसको लाइट कहा गया है, जिसमें सारा चीज दिखाई देगा, उसको हम लोग देखेंगे। पहले इस वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:19 से लेकर 21 आयत, यहाँ पर क्या लिखता है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। हाँ, तो बोलता है मनुष्य, अच्छा, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। दंड कब मिलता है? जब लाइट को रिलीज किया जाता है। लाइट आता है हमारे पास में, ओके, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, और मनुष्य लोग, हम लोग अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जानेंगे, वहां पर दंड की आज्ञा हो जाएगी। तो इसका मतलब सोचिए कि इतना रिस्की है, लाइट रिवील हो रहा है, दिया जा रहा है, और हम लोग प्रिय जानेंगे अंधकार को, वहां दंड जजमेंट भी आएगा। लाइट रिलीज हो रहा है, ग्रहण नहीं किया जा रहा है, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, लाइट से ज्यादा हम लोग अंधकार को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो वहां पर दंड की आज्ञा आएगी। फिर क्या कहता है, पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है, और जिस चीज से बैर करेंगे वो दूर भागेगा। फिर जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। एक एक हरकत में देखिए ज्योति के साथ में हम लोग डीलिंग कैसा होना चाहिए, ओके। अगर हम लोग बोलते हैं क्योंकि जो कोई बुराई करता है, अगर बुराई कर रहे हैं तो वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, और जो ज्योति के पास में नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। तो लाइट के करीब आने के लिए, उसके पास आने के लिए और नजदीक आने के लिए क्या बोलता है, सत्य पर चलना पड़ेगा। और सत्य क्या है, जो है ना 17:17 में लिखे, 13 वचन सत्य है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, 13 वचन सत्य है, वहां पर लिखा हुआ है। तो सत्य के अनुसार जब चलते हैं तो हम लोग क्लोज होते हैं लाइट के, बहुत करीब आते हैं उसके। प्रेज गॉड, आमीन। फिर कहते हैं ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए हुए हैं, ओके। जो लाइट के नजदीक ज्यादा आते हैं, और जब वो लोग काम करेंगे, है ना, तो पता चलेगा कि परमेश्वर के द्वारा से किया हुआ चीज है, आमीन। इसे अंधकार और ज्योति का जो काम है पूरा पूरा आर पार अलग अलग पूरा पूरा दिखाई देता है। ऊपर में ही हमने देखा जैसे लाइट को बनाने के बाद में अंधकार के साथ रहने नहीं दिया, उसी तरह से बुरा काम और अच्छा काम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक बुराई करेगा एक इंसान, नहीं तो अच्छा ही करेगा, और दोनों मिक्स करके इस प्रकार का जीवन एक्सेप्टेबल भी नहीं है परमेश्वर के पास। आमीन, हालेलुया। लाइट का और एक काम क्या है, एक तो लाइट क्या करता है, सब चीज को प्रकट कर देता है। लाइट का और एक काम है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, वो है यूहन्ना 1:5, सीधा सीधा लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति का काम सिर्फ है चमकना, ज्योति का काम है चमकना, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यहां अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, उस जगह में एक ट्रांसलेशन में इसे लिखा हुआ है, डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम इट, अंधकार उसके ऊपर में विजय प्राप्त नहीं करता है। किसके ऊपर में? लाइट के ऊपर में विजय प्राप्त नहीं करता है। अंधकार का कितना बड़ा भी ताकत हो, लाइट के सामने झुकना भी पड़ेगा। समझ ले कि सिंपल उदाहरण देते हैं, एक बंद कमरे में है और पूरा उसमें टोटल अंधेरा है, एक माचिस का तिली को आप मारेंगे, बूम, जब वो जलेगा ना, अचानक क्या होगा ना, उस अंधकार में ना अचानक से ज्योति आ जाए, सारा अंधकार मिलके उस माचिस का तिली का लाइट को दबा नहीं सकते, इतना पावर है लाइट में। प्रेज गॉड, आमेन। तो सोचिए कि हम लोग ज्योति के संतान हैं, ओके, तो हमारा काम है क्या, चमकना।
ज्योति एक तो एक्सपोज कर देता है, सब चीज को प्रकट कर देता है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं ज्योति का काम है चमकना, यानी हम ज्योति हैं तो हम चमकेंगे ही चमकेंगे, और हमारे ऊपर में अंधकार काबू नहीं रख सकता है। प्रेज गॉड, आमेन। और हमारा क्या होना चाहिए, हम लोग और नजदीक सत्य पे चल के ज्योति के और करीब हो जाना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, सो किन किन चीजों को हम लाइट बोलें, लाइट का परिभाषा समझने, क्या क्या चीज को हम लोग, किसको क्या चीज को ज्योति कहा गया, यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या क्या चीज को ज्योति कहा गया। पहला तो यीशु मसीह इस धरती में आया तो यूहन्ना 8 उसका 12 में उसने साफ साफ कह दिया, यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु जगत की ज्योति है, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, उसके पास ज्योति भी है। ओके, हाँ, लेकिन यीशु जिसके पास में है ये हम ये गारंटी ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका जीवन पूरा लाइटेड है, इमेंस लाइट है। जो पिता जो है ना, ज्योतियों का पिता बोलता है ना, ओके, उसको जितना अधिक जानते हैं उतना वो लाइट हमें बढ़ता है। जैसे कि आप अपने घर में लगाते होंगे, लाइट तो लाइट ही है, ओके, अंधकार में चमकेगा। एक आपका 12 वाट का भी रहता है, एक 15 वाट का भी रहता है, एक 16 वाट का भी रहता है, 20 वाट 22 वाट का भी रहता है। जितना वाटेज बढ़ता है उतना क्या देखते हैं हम लोग, उस रूम में ब्राइटनेस रहता है। हालेलुया, जितना ब्राइटनेस रहता है उतना बारीक बारीक चीज दिखाई देता है। तो हमारे जीवन में भी जितना हम ब्राइटनेस में रहते हैं, जितना हम उज्याले में रहते हैं, उतना हमारे जीवन का मैटर ज्यादा से ज्यादा क्लैरिफाइड और क्लियर दिखाई देगा। हालेलुया। तो यहां कहता है जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन के लिए एक लाइट चाहिए, जो मेरे पीछे हो लेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा, कहा है। आमेन, हालेलुया। तो पहला डिक्लेरेशन है कौन ज्योति है, यीशु मसीह ज्योति है। आमेन। दूसरा चीज है क्या कहा, तुम जगत की ज्योति हो, कहा है हम लोगों को, कहा है क्या कहता है यहां पर, मत्ती 5:14 पढ़ रहा हूं के लिए, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। उसी तरह से लाइट जो है वो भी छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो, थोड़ा सा मैं पॉज करके कुछ बोलना चाहता हूं यहां पर। कौन व्यक्ति रियली लाइट है, कौन व्यक्ति, प्रभु तो बोल दिया तुम जगत की, क्या जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो भी लग ज्योति है क्या, नहीं। कौन व्यक्ति रियली में ज्योति है, ये ऊपर वाला वर्ष नहीं है, कौन सा कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उस भाग जो है जो मेरे पीछे हो लेगा, एक यीशु को ग्रहण करना और उसके बाद में उसके पीछे हो लेना, यीशु को ग्रहण करना उसके पीछे हो लेना। अभी देखिए आप जॉन चैप्टर 6 को अगर पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह कुछ शिक्षा दे रहा था, उसके बाद में बहुत लोग उस शिक्षा को ग्रहण नहीं किए, हजम नहीं किए। जॉन 6:66 में आई थिंक लिखा हुआ है, और इस पर बहुत तेरे यीशु को छोड़कर पीछे हट गए। कुछ समय तो यीशु के पीछे चले लेकिन कुछ बात जो यीशु मसीह ने कहा उसे ग्रहण उन्होंने नहीं किया, हजम नहीं हुआ उनका, और यीशु को छोड़ के चले गए बोलता है। इस पर यीशु ने चेलों को भी कहा, तुम भी जाना चाहते हो क्या, जा सकते हो मतलब। तो उसमें से पतरस कहता है, हे प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ये बताना चाहता हूं अनंत जीवन की बातों में कुछ कुछ ऐसे कठिन बातें भी हैं लेकिन प्रभु के बातें हैं। भले आपको समझ में नहीं हुआ है या आज हजम नहीं लग रहा है तो आप उसको छोड़ के मत भागिए। ओके, एक ना एक दिन पवित्र आत्मा समझाएगा। किसी ने मुझे सवाल पूछा, बाइबल गलत है कि मनुष्य गलत है। ओके, ये किस प्रकार का सवाल है, क्या भला बाइबल जो परमेश्वर का वचन है जिसमें परमेश्वर अपने कहे हुए बातों का है उसको हम गलत बोल सकते हैं, क्यों इस प्रकार का सवाल आता है? क्योंकि कुछ जो बातें हैं परमेश्वर के वचन में वो लोगों को समझ में नहीं आता तो हजम नहीं करने पाते, जब हजम नहीं करने पाते हैं तो रूट डेविएट भी हो जाता है और कुछ लोग तो यीशु मसीह को छोड़ के ही चले गए। तो तुम जगत की ज्योति हो बोलने से प्रूफ ये बताना पड़ेगा कि हर समय हर बात में हमको यीशु मसीह का अनुसरण करना पड़ेगा। जो मेरे पीछे हो लेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा बोला है।
तो चलना पड़े, यू हैव टू फॉलो, फर्स्ट एक्सेप्ट क्राइस्ट देन फॉलो क्राइस्ट, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तीसरा में क्या कहता है, परमेश्वर का वचन को कहता है ज्योति। पहला यीशु मसीह ज्योति, दूसरा हम ज्योति जो यीशु का अनुयायी है उसके पीछे चलने, तीसरा जो है वो परमेश्वर का वचन है ज्योति। मैं अलग अलग फॉर्म को बता रहा हूँ, लाइट क्या क्या चीज को लाइट बोलेंगे हम लोग, ओके, ताकि पहचाने कि भाई ये लाइट ही है ना, परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 119 उसका 105 यहां पर क्या कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन, तेरा वचन, ओके, लेकिन प्रभु का वचन तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ ये रेफरेंस में ऐसा लिखा वैसा लगा बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यहां पर भी देखना है कि रियली एक्चुअली कौन सा वचन हमारे लिए दीपक, हमारे हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला हो, कौन सा वचन, ये वाला वचन कौन सा, मैं पढ़ रहा हूं भजन संहिता 119 उसका 130, इस प्रकार का वचन, वचन तो सब कुछ है, हालेलुया, मैं पढ़ रहा हूं भजन संहिता 119 उसका 130, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु का वचन तो ढेर सारा है, लेकिन जो वचन जब खुलता है उसका रेवलेशन मिलता है, हमको समझ में आता है, तो वो चीज क्या करता है, रियली हमारे जीवन को लाइटेड करता है। जिस वचन को आप समझे ही नहीं है तो समझिए कि आपको उस वचन का जो लाइट पड़ना चाहिए, प्रकाशन मिलना चाहिए, प्रकाश मिलना चाहिए, ज्योति मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। इसीलिए रियली में परमेश्वर का वचन जब खुल जाता है तो लाइट देता है। तो खुला हुआ वचन, रिवील्ड वर्ड, प्रकाशित किया वाला वचन, प्रगटीकरण वाला वचन, जिसमें प्रगटीकरण मिला, जो मेरे को समझ में आया, वो रियली एक्चुअली लाइट ठहरता है हमारे जीवन के। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। चौथा, ओके, बुद्धि जो है वो भी लाइट का एक फॉर्म है, बुद्धि जो है वो भी ज्योति का एक चीज है बोलेंगे, माने जो बुद्धि, बुद्धि भी ज्योति ही, सीधा संपल। मैं पढ़ रहा हूं सबोपदेशक 2 उसका 13 आयत यूं लिखता है, तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है, तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। तो अंधियारा को मूर्खता के साथ तुलना किया है, उजियाला को बुद्धि के साथ तुलना किया गया। सो हम लोग जब बुद्धि प्राप्त करते हैं, विजडम, जब वाइज होते हैं, तब हमारे जीवन में लाइट आती है, लाइट प्रवेश करता है हमारे जीवन। तो बुद्धि भी लाइट का एक फॉर्म है, एक क्या बोलेंगे, बुद्धि का बात, हालेलुया। जो बुद्धि जो है ना वो भी एक ज्योति का एक फॉर्म है, ओके। नीचे पढ़ रहा हूं नीति वचन 3 उसका 13-14 यहां क्या लिख रहा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, उसका लाभ चोखे सोने से के लाभ से भी उत्तम है। बुद्धि को इतना कीमती कहा है कि चोखे सोने से भी ज्यादा कीमती है, प्रेज द लॉर्ड। सो विजडम जो है वो भी एक लाइट है। ऊपर देखिए यीशु ज्योति है, फिर हमने देखा हम ज्योति हैं, फिर हमने देखा उसका वचन, जो खुला हुआ वचन, प्रकाशन दे दिया हुआ वाला वचन, वो ज्योति है, फिर हमने देखा बुद्धि भी ज्योति है। इसलिए बुद्धि प्राप्त करने के पीछे भागना है। बुद्धि मतलब क्या, राइट टाइम में राइट एक्शन लेना, बुद्धिमानी के साथ काम करना बोलते हैं, इसको बुद्धि बोलते हैं, ओके। ज्ञान भी ज्योति का एक फॉर्म है, ज्ञान माने इंफॉर्मेशन, ओके, नॉलेज। देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 6 यहां ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान, या तो परमेश्वर की महिमा की ज्ञान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो परमेश्वर की महिमा का ज्ञान, ओके, की ज्योति,
ज्ञान की ज्योति, पहचान की ज्योति, अंग्रेजी में ज्ञान मिलेगा आपको, नॉलेज की ज्योति। तो नॉलेज स्वयं इटसेल्फ ये लाइट है। ओके, आप चाहते हैं कि आपके जीवन लाइटेड रहे, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करें, वचन का ज्ञान प्राप्त करें। हालेलुया। ज्ञान जब इंफॉर्मेशन आएगा और वहां जो बात को समझेंगे, समझा हुआ बात को जब इस्तेमाल करेंगे, उसको बुद्धि बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बुद्धि भी लाइट है, ज्ञान भी लाइट है, एक फॉर्म है। तो भागे इसके पीछे। आमीन। हालेलुया। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज, अचानक से इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूं, मेरे दिल में आया बोल के। ओके, हो सकता है ये भाग कुछ लोगों को समझने के लिए हार्ड लगे, फिर भी आप रख लीजिए। देखिए, हम लोग आत्मिक प्राणी हैं। इस जगत में हम लोग जब चलते फिरते हैं, हमारा आत्मिक युद्ध रहता है, और हमारे आत्मिक युद्ध में हमको मदद करने वाले स्वर्गदूत लोग होते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं कि अगर दानियल का पुस्तक चैप्टर 9 या तो 10 आप देखेंगे, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि दानियल प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना में उत्तर मांग रहा था, और जैसे उसने मन लगाया कि मैं प्रार्थना करूं, उसी दिन एक्चुअली एक स्वर्गदूत को रिलीज किया गया, गैब्रियल को, स्वर्ग से, कि जा और दानियल को ये इस बात समझा देना। और जब गैब्रियल जब आसमान से, स्वर्ग से उतर रहा था, तो प्रिंस ऑफ पर्शिया बोल के एक 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 अंधकार का ताकत है, ओके, शैतानी ताकत है, शैतान का एजेंट है, ओके, वो आसमान में उसको रोकता है, 21 दिन तक रोकता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, मिकाएल स्वर्गदूत आता है और इस शैतान का, इस एजेंट को के साथ में, प्रिंस ऑफ पर्शिया जिसे कहा गया है ना, पारस के राजा, उसके साथ लड़ाई करता है, इस फोर्स के साथ, इस अंधकार की ताकत के साथ में। तब स्वर्गदूत जो गैब्रियल नीचे उतरता है और इन्फॉर्मेशन देता है दानियल को, बोलता है मैं तो पहला ही दिन जब तुमने मन लगाया प्रार्थना करने के लिए, उसी समय में भेजा गया हूं तेरे आंसर के लिए, लेकिन क्या करें, वहां पर मुझे रोक दिया गया था, प्रिंस ऑफ पर्शिया मुझे रोक दिया था, वो शैतानी ताकत मुझे रोक दिया था। और वहां पर आता है कौन, मिकाएल स्वर्गदूत, और उससे लड़ता है, लड़ने में जब एंगेज हो जाते हैं तो मैं नीचे उतर के आपके पास इस समय आया हूं बोलता है। तो हमारे साथ में एंजल्स लोग हमारे मदद करते हैं, लड़ाई करते हैं, इंफॉर्मेशन लाते हैं, बहुत सारे बातें रहते हैं, बातें करते हैं, ओके, बहुत सारे बातें। ओके, तो अब ये स्वर्गदूतों के साथ में कनेक्शंस में कैसे आए, स्वर्गदूतों को भी इंफॉर्मेशन चाहिए। आइए हम देखते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आत्मिक जगत में लाइट के द्वारा से परमेश्वर मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह, लाइट के द्वारा से इंफॉर्मेशन को परमेश्वर भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह। मत्ती उसका 2:2 मैं पढ़ रहा हूं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है, जो पूरब जैसे ज्योतिषी आए थे तो पूछते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ था कहां है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। पूरब में उसका तारा देखा, तारा से क्या निकला है, तारा से जो लाइट निकला है, उस लाइट, सब तारा के एक जैसे लाइट नहीं है, लेकिन ये ऐसा तारा है, उस लाइट के द्वारा से ये लोग ये स्टडी करने पाए कि एक राजा जन्मा है पृथ्वी में लोग। ओके, तो लाइट से इंफॉर्मेशन मिल रहा है लोगों को कि एक राजा जन्मा है। ऐसे बाइबल में और भी चीज उदाहरण सब पाएंगे। ओके, जैसे आप देखेंगे लाइट के द्वारा से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाता है इस भौतिक दुनिया में। आपके घर में जो इंटरनेट कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड, जो फाइबर ऑप्टिक्स, एक पतला तार है, उसमें पतला पतला, उसमें बारीक पाइप जैसे है, एकदम बारीक, जो सेंटर है वहां से सिग्नल लाइट रे दिया जाता है, वो उसके अंदर से होके आता है, और उसी सिग्नल में, उसी लाइट रे में इंटरनेट का सिग्नल आता है। उसी तरह से आत्मिक जगत में भी आत्मिक लाइट जो है वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं, सिग्नल पास करते हैं। मैं पढ़ रहा हूं और एक वचन आपके लिए, मत्ती 6:22-23 क्या कहता है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंखें निर्मल, ये जो हम लोग शरीर का दिया ये आंख, यदि हमारे आंखें निर्मल हो तो सारा शरीर भी उजियाला रहेगा, सारा शरीर उजियाला होगा। अब ये जो सारा शरीर उजियाला, हमारे शरीर से लाइट कुछ निकलते हुए नहीं देखता है, एक
व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के शरीर से लाइट निकलते हुए नहीं देखता है, लेकिन हमारा शरीर जो उजियाला होगा कहा है, इस उजियाले को आत्मिक जगत में दिखाई देता है। स्वर्गदूत लोग भी देखने पाएंगे, दुष्टात्मा लोग भी देखने पाएंगे उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंखें आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुम में है यदि अंधियारा हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। अगर हमारा आंख ही अंधियारा हो तो सोचिए पूरा शरीर भयंकर अंधियारा में होगा, लेकिन हमारा आंख अगर निर्मल तो शरीर उजियाला हो। तो शरीर जब उजियाला होता है तो यह हमारे शरीर से जो लाइट निकलता है ओके, ये स्वर्गदूतों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है हमारे जीवन के विषय में। केवल हमारे जीवन के विषय में नहीं देखता है, और यीशु मसीह का भी इंफॉर्मेशन हमारे शरीर से आत्मिक शरीर से निकलने वाला ज्योति के द्वारा से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। कौन? स्वर्गदूत लोग। पढ़ रहा हूं आपके एक वचन, पहला पत्रस उसका 1:11-12 आयत, यहां पर ऐसे लिखा है, जिन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, पुराने नियम में जो दिग्गज हीरो लोग थे, भविष्यवक्ता लोग थे ओके, और परमेश्वर के साथ में चलने वाले लोग थे, उनमें मसीह का आत्मा था लिखा हुआ, और उन्होंने खोजबीन किया लिखा, और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था? उन पर लिखा हुआ, उन पर माने उन व्यक्तियों पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए यह बातें कहा करते थे। तो पुराने नियम में जो कुछ बातें लिखे हुए हैं वो अपने नहीं लेकिन हमारी सेवा के लिए लोग लिखे हैं, ये कह रहा है, ताकि उसके द्वारा हमको इंफॉर्मेशन मिले, हमारा मिनिस्ट्रिंग हो उस वचन के द्वारा जो पुराना नियम में लिखा हुआ है, जिनका समाचार अब तुम्हें उसके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाए ओके, सुसमाचार सुनाए। फिर कहता है, और इन बातों को जो लिखा गया है, जो प्रकाशन दिया गया है, जब हम लोग समझते हैं इन बातों को, स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। ये जो बात है मसीह का प्रकाशन प्रगटीकरण, उसको स्वर्गदूत लोग ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। तो ध्यान से कहां दिखाई देता है, वो कहां से इंफॉर्मेशन मिलता है? जब हम लोग ज्योति के संतान, ज्योति के काम को करते हैं और भले कामों में हम लोग लगे रहते हैं, मसीह का प्रकाशन हमें मिलता है तो हम लोग पूरा लाइटेड रहते हैं ओके, और हमसे जो लाइट निकलता है वो मसीह का प्रकाशन का इंफॉर्मेशन रिलीज करता है। तो स्वर्गदूत उसको देखने के लिए हमारे इर्द गिर्द में तांता लगा के रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के बड़े बड़े दास लोग अच्छा बताते हैं, आत्मिक जगत में लाइट लाइट को अट्रैक्ट करता है। अगर हम लोग लाइट में है तो हम लोग लाइट जो है स्वर्गदूत लाइट में है, वो स्वयं लाइट है ओके, उसको अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह से हम लोगों का टोली जो रहेगा स्वर्गदूतों के साथ में एक अच्छा नेटवर्किंग रहेगा। हम लोग चलते फिरते उठते बैठते स्वर्गदूत लोग हमारे साथ मूव करते हैं जाते हैं। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितना ज्ञान, जितना बुद्धि की बात है हमारे जीवन, उतना लाइट, जितना लाइट उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हम रिलीज करते हैं आत्मिक जगत में। प्रेज द लॉर्ड। अब वो इंफॉर्मेशन स्वर्गदूतों को मिलता है, और वो इंफॉर्मेशन लाइट जो है ना वो अंधकार के साथ फाइट करता है, लड़ाई करता है ओके। तो हम लोग जितना ज्योति में रहेंगे उतना क्या करेंगे, हम लोग लड़ने का ताकत हमको उतना ही मिलेगा, हम लोग एम्पावर होते जाएंगे। प्रेज गॉड। तो लाइट का फंक्शनैलिटी छोटे रूप में एक जिस्ट में हमने इस प्रकार से दिया है। इसको और स्टडी करेंगे आपको बहुत सारा बात आपको खुद को पता चलेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन में बहुत अधिक आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी यहोवा परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने ज्योति का फंक्शनैलिटी को हमें बताया प्रभु जी। लॉर्ड प्रभु परमेश्वर पिता में ज्योति में रखिए, और प्रभु जी आपने जब ज्योति का संतान हमको ठहराया है प्रभु जी, हम उसी तरह से आगे मूव करने पाए, बढ़ने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड गॉडमाइटी और प्रभु परमेश्वर भले कामों में हम सरगम रहने पाए प्रभु जी, और प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता हमें अधिक से अधिक बुद्धि से भर, ज्ञान से भर, ताकि हमारा जीवन लाइटेड रहने पाए प्रभु जी, और हम लोग एक एंजेलिक नेटवर्क में प्रभु परमेश्वर मूव करने पाए,
और एक विजय जीवन को काटने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, अदाय से स्वराज ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम धन्यवाद देते हैं, हमारे चैनल के लिए प्रार्थना करते हैं और जो सपोर्ट करते हैं इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू।